साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम समय समय पर अपने स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं को सुनते रहते हैं और डॉक्टर की सलाह भी लेते रहते हैं। इसी विषय में श्रोताओं आज हम बात करेंगे डीपीटी और टीडी अभियान को लेकर के, ये क्या है और एमपी गवर्नमेंट की साइड से ये जो चलाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार सर, थोड़ा सा परिचय हम आपका जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर संतोष शुक्ला, संचालक नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश, राज्य टीकाकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और सभी श्रोताओं को जो बुंदेलखंड रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि आपके ही कारण आज हम लोग एक बहुत अच्छी स्थिति में है। मध्य प्रदेश खासतौर से कोविड वैक्सीनेशन में हमने 98% की उपलब्धि की और बीमारी को रोक दिया था जी। इसके बाद आप ही के माध्यम से हम लोग पोलियो का उन्मूलन, दो बूंद जिंदगी पिलाकर सब 5 साल तक के बच्चों को टीकाकृत किया। फिर गर्भवती महिलाओं को जब टिटनेस के टीके लगे तो नवजात शिशु में होने वाली जो टिटनेस बीमारी था उसका भी सफाया कर दिया जी। अब एक बीमारी मुंह पाए खड़ी है, उसका नाम है डिप्थीरिया, आम भाषा में गलघोंटू कहते हैं। इसमें बच्चों की बीमारी है, पहले 5 साल में होती थी, अब बीमारी थोड़ी अधिक उम्र में 16 साल तक में आने लगी है। तो भारत शासन ने निर्णय लिया कि एक अभियान के रूप में हम 5 साल, 10 साल और 16 साल के बच्चों को उनके ही स्कूल में जाके टीकाकरण करके 100% उनको सुरक्षा कवच दिया जाए, जिससे जो इतनी घातक बीमारी है, जानलेवा है, लाइलाज है और इससे बचाव का गारंटी का टीका है, तो क्यों ना हम सब परिवारों को जागृत करें इस प्रकार की रेडियो चर्चा के माध्यम से। और आप बीमारी से डरें, टीकों से नहीं, ये संदेश देना चाहते हैंगे। ये 16 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्य स्तर पर शुभारंभ किया गया था। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 3.5 लाख बच्चों का टीकाकरण हुआ पहले ही दिन जी। और बहुत अच्छी शुरुआत है, कुल 36 लाख हमारे हितग्राही है और उनको टीकाकृत करने के लिए सब व्यवस्थाएं हैं, प्रशिक्षित हमला है। एक बार में एक बच्चा आएगा, उससे पूछा जाएगा कि आपने कुछ खाया, नाश्ता किया था कि नहीं, कोई गंभीर बीमारी से तो नहीं जकड़े हुए हैं, तेज बुखार तो नहीं है, इस प्रकार से आपकी जांच कर ली जाएगी और फिर उसको हमारी जो आशा आंगनवाड़ी है वो सपोर्ट करेगी। बच्चे को जैसे ही दाहिने या बाएं कंधे पे टीका लगता है, दर्द रहित टीके हैं, अगर दर्द होता भी है टीके के बाद तो पैरासिटामोल गोली की व्यवस्था की जाती है। और आपको बताते हुए ये भी खुशी है कि 12,80,00,000 टीके कल तक लग चुके हैं प्रदेश में, कहीं भी कोई भी दुर्घटना, अनहोनी घटना नहीं हुई है। तो आप बिल्कुल ना डरे टीकों से और आगे आए सभी को टीका लगवाएं। सर बहुत अच्छी शुरुआत की है मध्य प्रदेश शासन ने और मुझे लगता है कि ये हमें जन जन तक पहुंचाने की और ज्यादा आवश्यकता है इसके लिए सर, क्योंकि ये जो डीपीटी है और टीडी अभियान है चलाया जा रहा है, अधिकतर लोगों में देखा जाए तो अभी इसकी जानकारी नहीं है, तो वो हम कैसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, शासन प्रशासन की क्या योजना है इस पर कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कैसे पहुंचे इस अभियान के थ्रू। देखिए मैं आपको बता दूं कि 155 अभियान संचालित मैं कर चुका हूं 1985 से टीकाकरण कार्यक्रम में, तो मैंने बहुत क्लोजली देखा है कि हमारा जो संदेशवाहक, सबसे पावरफुल संदेशवाहक कौन हैगा किसी भी समाज में, हमारे ही तो बच्चे हैं। तो हमने स्कूलों में जाके सबसे पहले उन्हीं बच्चों को संकल्प कराया, संकल्प के बाद नारे लगाया कि डीपीटी टीडी टीके कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, हम लगाएंगे, तो मोटिवेट किया उनको। और उसके बाद होमवर्क कॉपी के माध्यम से, प्राचार्य के हस्ताक्षर से घर घर संदेश सभी पालकगण को गया कि अमुक तारीख को आपके बच्चे का टीकाकरण होना जरूरी है, आपको सूचित किया जाता है, हस्ताक्षर करके उनको वापस होमवर्क कॉपी से बुलवा लिया गया। इस प्रकार से एक माध्यम था। दूसरा, हमारी आंगनवाड़ी और आशा हर गांव में उपस्थित हैं, उनको भी हमने प्रशिक्षित करके ये बताया गया कि आप
घर उन बच्चों की सूची बनाइए जो शाला त्यागी हैं। स्कूल में जो बच्चे दर्ज हैं वो तो हमें स्कूल से मिल जाएगी सूची, मगर जो बच्चे तीसरी क्लास चौथी क्लास के बाद छोड़ के चले गए हैं वो शाला त्यागी है। किशोरी बालिकाएं हमारी आंगनवाड़ी में दर्ज हैं तो उनकी सूचीकरण भी हमने कर ली है। तो 16 तारीख से 23 तारीख तक हम स्कूलों में जाके अभियान चलाएंगे जो पंजीकृत बच्चे हैं, और फिर 17 से 31 के बीच में हम जाएंगे आंगनवाड़ी में जहाँ की हमारे शाला त्यागी बच्चे हैं, या कुछ छूट जाएंगे जो स्कूल में उस दिन अनुपस्थित थे बच्चे, उनको आंगनवाड़ी में बुला के टीकाकृत करेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से बार बार आप सबसे यही उम्मीद रखता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि आप समझदारी दिखाएं, बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं। जी बिल्कुल सर। सर इसमें एक और चीज निकल के आती है कि जो डीपीटी और टीडी वैक्सीन है ये मुख्यतः किन बीमारियों से बचा रहा है बच्चों को? बहुत अच्छा सवाल है, उसके लिए आपको धन्यवाद। डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस यानी कुकर खांसी, काली खांसी भी बोलते हैं, और टी से टिटनेस यानी धनुर्वात। तो एक सुई तीन बीमारी को बचाएगी 5 साल के बच्चे में, एक सुई तीन बीमारी को। टीडी, टीवी में टिटनेस होता है, छोटा डी डी यानी एडल्ट डिप्थीरिया, क्योंकि वयस्क उम्र में बीमारी होने लगी थी तो टीडी, पहले सिर्फ टिटनेस टॉक्साइड लगाते थे, 2018 के बाद टीडी वैक्सीन का प्रादुर्भाव हुआ और उसको हमने टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया। हालांकि 2 साल कोरोना पीरियड में टीडी अभियान वैक्सीन जैसे ही आई थी तो हम उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए, इसलिए साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में एकदम से महामारी केरल आंध्र कर्नाटक में आई, और भारत शासन ने निर्णय लिया कि सबसे पहले उन राज्यों में हम अभियान चलाएं जहां टीकाकरण की गति बहुत तेज होती है, कोविड वैक्सीनेशन में देखा था। तो गुजरात और मध्य प्रदेश पहले 2 राज्य चुने गए जहां ये अभियान के रूप में पहले है, इसके बाद पूरे देश में लागू होगा। तो सर इसमें जो हम बात कर रहे हैं टीका लगवाने की, जैसे कि आपने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्र में और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी इसके लिए शिक्षित किया है ताकि वे घर घर जाकर भी और जो उनके पास लिस्ट है एक बच्चों की उसको देखकर वो बच्चों को टीकाकरण कर सकती हैं, इसमें सर क्या कोई शुल्क वगैरह रखा गया है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क हैगा, सभी वैक्सीन हमारी फ्री है, लॉजिस्टिक हम जो सिरिंज भेज रहे हैं वो एडी सिरिंज है, एक बार लग जाएगा तो उसको लॉक हो जाएगी, तो एक बच्चा एक सुई एक सिरिंज के माध्यम से ही टीका लगेगा। और हम पूरे प्रोटोकॉल जो कहलाते हैं कोविड के उसका ध्यान रखेंगे, हैंड वॉश होगा, एसेप्टिक प्रिकॉशन होगी, और इन सब हमारा जो अमला है उसको पुनः प्रशिक्षित कर दिया गया है। इसमें हम स्कूल में जब जा रहे हैं तो समस्त प्राचार्यों को भी हमने संवेदनशील बना दिया है, हर स्कूल के एक टीचर को नोडल टीचर बनाया है, जो पहले पहले कमरे में सब बच्चे बैठे रहेंगे, एक एक करके एक बच्चा आएगा जिसको बैठा के हम टीका लगाएंगे, फिर आधे घंटे उसको बैठा के रखेंगे। इस प्रकार जितनी भी सावधानियां हैं पूरी हम रखेंगे, और इसके अलावा भी 1075, मैं चाहता हूँ सभी परिवार नोट कर लें, 1075 और 104 दो ऐसे नंबर हैं जहां हमारे डॉक्टर हमेशा 24/7 उपलब्ध रहेंगे। कोई भी तकलीफ होती है, दर्द बुखार मामूली तो आता है 24 से 48 घंटे, अमिताभ बच्चन का आपने एडवर्टाइजमेंट भी सुना होगा कि अगर ये दर्द बुखार हो रहा है इसका मतलब बच्चे में बीमारी से लड़ने की ताकत पहुंच गई है, तो उसको उसके अनुरूप लें, घबराए नहीं, पैरासिटामोल की गोली से ठीक हो जाता है, ठंडे पानी की पट्टी रख दी जाती है 24 घंटे। इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है कि मौसम ऐसा चल रहा है, मलेरिया के मच्छर ने काटा 2 दिन, उस दिन ही जिस दिन टीका लगा उसी दिन शाम को तेज बुखार आ गया, ठंड देखे, तो ये ना सोचें कि टीके से हो रहा है, वो अन्य बीमारी है, तो उसके लिए आप ले लें। और दूसरा 108 हमारी जो गाड़ी निःशुल्क परिवहन की है कि अगर ऐसा कुछ भी तकलीफ है, उल्टी दस्त कुछ भी हुई जो मौसमी बीमारी है, तो आपके लिए समस्त निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क निदान, निःशुल्क टीकाकरण, प्रशासन ने बिल्कुल इसको अपना प्राथमिकता माना है कि हमें डिप्थीरिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाना है, ये संकल्प के साथ हम प्रोग्राम चला रहे हैं। जी सर। सर इसमें क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जब हम लोग टीकाकरण करवाने के लिए गए थे, कोविड की वैक्सीन लगवाने गए थे, तो अपने साथ कुछ दस्तावेज हमें लेके जाने होते थे, लेकिन क्या इसमें ये जो डीपीटी और टीडी टीका है इसके लिए कोई दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्य है? नहीं, इसमें क्योंकि ये वो तो पोर्टल के माध्यम से हो रहा था, ये तो ऑफलाइन होना हैगा, आपका उपस्थिति पत्रक जो है, उपस्थिति आपका जो है वो ही एक रजिस्टर है जो स्कूल हमें प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त हो चुके हैं, हमारे पास सूची आपके बच्चों की है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, सब कुछ हमारे पास है, तो आपको कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ बच्चे को आना है, और बस
थोड़ा बहुत नाश्ता करा के जरूर भेजिए, खाली पेट नहीं। सर तो फिर कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट हमें मिली थी इनमें से इन बच्चों की वैक्सीनेशन हो चुकी है, या फिर मान लीजिए जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको कैसे? ये बिल्कुल आपका सवाल बहुत अच्छा है कि एक ऐसा बच्चा जिसने 1 अप्रैल 2022 के बाद जिन्होंने डीपीटी या टीडी अगर लगा रखा है तो उसका कार्ड जरूर लेते आइए, जिसमें उनको हम नहीं लगाएंगे जिनको अभी इस साल 1 अप्रैल के बाद डीपीटी और टीडी 5 साल 10 साल और 16 साल में लग चुका है, तो कार्ड जरूर लेते आइए, कार्ड की कॉपी लेते आइए, तो उनको नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा। यानी कि जब भी ये टीकाकरण होगा तो आपको एक कार्ड दिया जाएगा जिससे ये हम आगे दिखा पाएंगे कि हमें ये टीकाकरण हो चुका है? नहीं, हम आपको कार्ड नहीं दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों का जो टीकाकरण नियमित चल रहा है इतने सालों से, तो वो कार्ड एक बच्चा बच्चा कार्ड होता है, उस कार्ड में 16 साल तक की प्रविष्टियां रहती हैंगी कि किस किस को कौन कौन से टीके लग गए हैं, वो वाला कॉपी आप लाके अपने प्राचार्य को बता दीजिए, उसके हिसाब से हमें जानकारी हो जाएगी कि इस साल इनको लग गया है तो हम उसको नहीं लगाएंगे। हालांकि एक अगर रिपीट डोज भी लग जाता है तो उसे कोई खतरा नहीं। जी, यानी कि अगर हम दोबारा से गलती से पहुंच भी जाते हैं तो हमें कोई खतरा इससे महसूस नहीं होगा, हमें फायदा ही देगा। ये आपका रिकॉर्ड बताना बहुत जरूरी, ये सिर्फ कहने मात्र नहीं कि मैं तो लगवा चुका हूँ, वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये डिप्थीरिया एक महामारी है और एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है और श्वास रुकने लगती है और मृत्यु की संभावना अधिकाधिक है इस बीमारी में, इसलिए ऐसे बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है वो है टीका, और टीके के लिए वो सुरक्षित हैं, इसलिए लगवाना जरूरी। सर ये जो सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं तो ये जो डीपीटी और टीडी वैक्सीन है ये कितनी सुरक्षित है, क्योंकि बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है? ये बिल्कुल सुरक्षित है, आपको बता दें कि डीपीटी 1978 से लगाई जा रही है इस देश में, टीडी वैक्सीन जो है अभी 2018 मतलब 4 साल लगते हुए हो गया, करोड़ों बच्चों को लग चुका है डीपीटी और लाखों को लग चुका है टीडी, तो बहुत ही सुरक्षित। और इवन आपको ये बता दें कि हमारे प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को भी टीडी वैक्सीन ही लगाई जा रही है, टिटनेस वैक्सीन अब बंद 2018 से कर दी है, तो जब गर्भवती महिलाओं को भी टीडी लगाई जा रही है और हमारे सब पॉपुलेशन दर बिल्कुल उतनी ही रफ्तार से जन्म दर ले रहे हैं जैसे पहले, तो कहीं कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल खतरा नहीं होगा, क्योंकि शासन प्रशासन ऐसे ही कोई चीज नहीं निकालेगी और ऐसे ही कोई अभियान भी नहीं चलाएगा सर। लेकिन फिर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये जो वैक्सीनेशन जब करवाते हैं सर, तो क्या सावधानी और रखने की जरूरत है? जैसे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उन्होंने वैक्सीन तो लगा दी, लेकिन घर में आके जो सुरक्षा की ध्यान में रखना है वो तो माँ बाप को ही रखना है, तो क्या और सावधानी उनको रखने की आवश्यकता होती है? हाँ बिल्कुल, बहुत सावधानी हम आपको बता दें, ABCD 4 चीजों की सावधानी होती है। उम्र का ज्ञान होना चाहिए जिस बच्चे को आप स्कूल में भेज रहे हैं, इसलिए हमने उसको क्लासरूम से जोड़ दिया, पहली क्लास 5 साल का बच्चा आता है और 5-10 साल का होता है 5वीं में 16 साल का होता है 10वीं में, तो हमने क्लासरूम से जोड़ दिया, मगर आपको उम्र का ज्ञान तो होना चाहिए बच्चे की जो इसको भेज रहे हैं। 20 से बिफोर, पहले कभी आपको कोई भी इंजेक्शन लगा था कोई दवा का, या उसके बाद कोई भी अनहोनी सीवियर एलर्जी तो नहीं हुई थी, इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आपका बच्चे को पहले इंजेक्शन लगा था कोई एलर्जी थी, तो उसको हम डॉक्टर के निरीक्षण में अस्पताल में ऐसे बच्चों को टीका लगाएंगे, फिर हम उस स्कूल में नहीं लगाएंगे। चीफ ऑफ कार्ड आपको बताया, जितना बच्चा कार्ड जिसमें एंट्री है वो लेके आए, और डीफ अगर डिजीज है, कोई गंभीर रोग से पीड़ित बच्चा है, तो उसको टीकाकरण कर्मी को बता दीजिए कि ये है मेरे पास प्रॉब्लम, ये है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर तेज निमोनिया तो नहीं है, खांसी चल रही है निमोनिया, हम उसको नहीं लगाएंगे, पहले इलाज करेंगे, उल्टी दस्त कल रात में हो गए थे एकदम से, डिहाइड्रेटेड बच्चा है, उसको हम इलाज कराएंगे पहले, वहां नहीं लगाएंगे, बहुत तेज बुखार है 102 बुखार हो रहा है, उसको पसीना आ रहा है, ऐसे बच्चों को जो गंभीर रूप से दिख रहा है कि बीमार है, तो उसका हम पहले इलाज कराएंगे, उस दिन हम टीका नहीं लगाएंगे, बाकी सबके लिए सामान्य है। बिल्कुल सर, कुछ खाने पीने में मतलब 1 या 2 दिन के अंतराल में कुछ खाने पीने पे भी सावधानी रखने की आवश्यकता है क्या? नहीं नहीं, सब सामान्य जो खाना खा रहे हैं वही खाइए, और मेन चीज है कि जिस दिन सुबह आ रहे हैं वो नाश्ता करके आए। खाली पेट हम इसलिए बार बार आपको कह रहे हैं कि देखिए, जब से बच्चा गोद में आता है, हमारी माताएं डराती हैं कि देखो ज्यादा
से दौड़े धूपे तो तुम्हें इंजेक्शन लगवा देंगे डॉक्टर, तो इंजेक्शन का एक भूत सवार रहता है उसकी मानसिकता पे। अब जब वो आता है खाली पेट, क्योंकि सुई से वो डरा हुआ है, सुई से डरा हुआ है तो उसको डर का तो मन में प्रवेश कर चुका है और खाना भी कम खाया है, तो जब एकदम से घबराहट होती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है। अब क्योंकि खाली पेट है आपकी वैसी शुगर की कमी है तो आपको फेंटिंग टाइप हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि खाना कुछ खा के आए। अदरवाइज हमने भी व्यवस्था पे ORS की करी है, बिस्किट के पैकेट भी रखे हैं, हमने पूरी व्यवस्था करी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा अभियान लगा है ये, और जानकर खुशी भी हो रही है कि इस चीज को हम और ज्यादा आगे तक कैसे ले जा सकते हैं, ऐसे समुदाय तक जो जहां पर कोई नहीं पहुंच रहा है, जहां टीवी नहीं पहुंच रही है, जहां अखबार नहीं पहुंच रहा है, वहां पर हम नैरो कास्टिंग के माध्यम से इस प्रोग्राम को जरूर सुनवाना पसंद करेंगे सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो अभियान है इसका हर एक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए जिसके लिए ये है। सर, कुछ बच्चे अगर इससे छूट जाते हैं इस अभियान से इसकी ड्यूरेशन के दौरान, तो हम क्या इनके अलग से इनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको भी वो सुविधा मिल सके? ये जैसे आपको पूर्व में है कि हमारे माता पिता उस दिन ये सुनिश्चित करें कि बच्चे को अस्पताल, पिकनिक या अन्य उस दिन उपस्थिति सुनिश्चित कर ले बस, कि मेरा बच्चा तो उस दिन स्कूल जरूर जाएगा जिस दिन उसके यहाँ टीकाकरण दल पहुंच रहा है। दूसरा, अगर किन्हीं कारणों से नहीं लिया तो उसकी पूर्व सूचना प्रिंसिपल के पास हो जाएगी, वो हमारी कहलाती है ड्यू लिस्ट, हम बना लेंगे कि इतने बच्चे आज नहीं आए थे, उसी गाँव के उसी आंगनबाड़ी में जो अगले हफ्ते टीकाकरण हो रहा है उसमें हम लोग जरूर उसको शामिल कर लेंगे, बुला लेंगे उनको वहाँ पे। आशा जो है घर घर जाके बुला लेती है, और टीचर्स को भी हमने बताया है कि वो हर बच्चे को जानते हैं, हर परिवार को जानते हैं, और वो मदद कर भी रहेंगे तो वो करेंगे इसमें। जैसे चुनाव में हम लोग नहीं घर घर से बुलाते हैं टीचर्स, हमारे हमारे हितग्राहियों को भी हम बुलाएंगे। मैडम, ये आपके इस माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि मैंने लगभग 8 राज्यों में पल्स पोलियो 2002 से मैं WHO में था, और मैं फीडबैक देना चाह रहा हूँ कि सबसे पावरफुल मीडिया दूरदर्शन नहीं होता है, टेलीविजन चैनल्स नहीं होते हैं, सबसे पावरफुल और ना अखबार होते हैं, रेडियो होता है। मैं पूरे इंटीरियर विलेज जंगल सब जगह मॉनिटरिंग किया है पल्स पोलियो में, एक जो था वो रेडियो एक कुएं पे भी मिलता था, खेत में भी था, पहाड़ पे भी था। राइट सर, तो ये बहुत अच्छा माध्यम चुना है आपने लोगों को जागृत करने के लिए, मेरी बात दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच रही हैगी, और मैं सभी लोगों से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आए हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, डिप्थीरिया मुक्त मध्य प्रदेश बनाए। राइट सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि ऐसे और भी जो अभियान चलते हैं उन पर भी आप एक प्रकाश जरूर डालिएगा, क्योंकि ये माध्यम जो है वो हम सबके लिए है और हम सब इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि उन लोगों तक वो जानकारी पहुंचे जिनको कहीं से वो जानकारी नहीं मिलती है। यहाँ मैं ये भी आग्रह करूंगा कि बुंदेलखंड रेडियो के माध्यम से जैसे ही एक हफ्ते बाद हम आंगनवाड़ी पे सत्र लगाएंगे, उस दिन भी अगर इस प्रकार का होगा तो आंगनवाड़ियों पे भी हमारा संदेश पहुंचेगा। बिल्कुल सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो इतने कीमती समय में से आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार सर। पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए। श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है कि DPT और TD अभियान क्या है, किनके लिए चलाया जा रहा है और क्यों जरूरी है ये वैक्सीनेशन करवाना। तो आइए साथियों, क्योंकि हमारा समय यहां पर काफी हो गया है, यहां पर हम एक ब्राम लेते हैं और ब्राम में सुनते हैं एक गीत को। बने रहिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए। हर सुख है सफाई को संदेश रे, सब सुन लो भैया, सुख है सफाई को संदेश, सुख है सफाई
सुन लो भैया, सुखे है सफाई को संदेश, सुखे है सफाई को संदेश रे सब सुन लो भैया, सुखे है सफाई को संदेश। साफ रखो हो बे नहानी, तने को भी साफ रखो हो बे नहानी, स्वच्छ खाओ भोजन निर्मल पानी, स्वच्छ खाओ भोजन निर्मल पानी, सो जीवन में रहे कलेश रे सब सुन लो भैया, सुख है सफाई को संदेश, सुख है सफाई को संदेश रे सब सुन लो भैया, सुख है सफाई को बुलाओ, सो खुद करो दे दो उपदेश रे सब सुन लो भैया, सुख है सफाई को संदेश। दयाशंकर अहिरबार और उनके साथियों की आवाज में श्रोताओं आप सभी ने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अपने संगे आराधना भी हैंगी, जो कि अपन को बता रही हैंगी कि ये मौसम के चलत भय जो बीमारी हो जाती हैंगी तो उनसे अपन को कैसे बचाव करें चाहिए, साथ ही में कौन सी भी बीमारी होती जो ये मौसम में हो जाती हैं। तो अपन सुनत हैंगे आराधना जी को जो संदेश। बारिश के दिनों में बढ़ जाता है बीमारियों से खतरा, बचने के लिए किन बातों का हमें खास ध्यान रखना होगा आइए जानते हैं। बरसात के मौसम में अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं तो इसके लिए हेल्दी फूड लेना ही काफ़ी नहीं है, आसपास साफ सफाई रखना भी बेहद ज़रूरी है। उस मौसम को इंजॉय कर पाएंगे तो कौन सी बीमारियों से बढ़ सकता है खतरा, आइए हम जानते हैं। बारिश की रिमझिम फुहारें तन और मन को खुश करने के साथ साथ अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती हैं, जिनकी ओर ध्यान ना देने पर लंबा बेड रेस्ट करना पड़ सकता है। क्यों होता है ऐसा और इन समस्याओं से कैसे करें बचाव, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी बीमारियां इस मौसम में सबसे ज़्यादा फैलती हैं, सबसे ज़्यादा खतरा किन बीमारियों का रहता है। गैस्ट्रोइंटाइटिस जो बीमारी है वह आमतौर पर डायरिया स्टमक फ्लू कहा जाता है। डायरिया हम सभी जानते हैं या स्टमक फ्लू, जिसे पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सफाई का ध्यान ना रखने से या पानी या फिर भोजन के जरिए जो भी नुकसानदायक जो बैक्टीरिया हैं व्यक्ति की आंतों तक पहुंचते हैं और आंतों में सूजन पैदा करते हैं, जिससे पाचन तंत्र के कार्यों में रुकावट पैदा होती है और ये पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। टाइफाइड यह सेलमोनेला एंटेरिका सेरोटाइप नाटफी नामक बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाला गंभीर संक्रामक रोग है। यह संक्रामक रोग ज़्यादातर बारिश के मौसम में फैलता है। दरअसल संक्रमित व्यक्ति के मल में यह बैक्टीरिया जीवित रहता है। खुले में शौच की आदत और सीवेज सिस्टम के व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह से यह लोगों में भोजन के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह बैक्टीरिया महीनों तक जीवित रहते हैं।
और बहुत तेजी से फैलते हैं। इसी वजह से संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ होने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लग जाता है। इसलिए ध्यान रखें, इन बैक्टीरिया से बचने की कोशिश करें। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस की वजह से होने वाले हेपेटाइटिस नामक लिवर संक्रामक के कई प्रकार हैं, पर बरसात के मौसम में दूषित खान पान के कारण सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस ए और ई की समस्या होती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे जॉन्डिस या पीलिया भी कहते हैं। पीलिया बारिश के मौसम में एक आम समस्या हो जाती है, पर जिससे बचाव के उपाय यदि हम करते हैं तो हमें इससे बचा भी जा सकता है। डेंगू एडीज प्रजाति के मच्छर इस समस्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनके डंक के जरिए व्यक्ति के शरीर में फ्लेवी वायरस का प्रवेश हो जाता है और वहां तेजी से इसकी संख्या बढ़ने लगती है और डेंगू की बीमारी तेजी से लोगों में फैलने लगती है। चिकनगुनिया बारिश के मौसम में एडिस एजिप्टी और एडीएस एल्वोपिक्टस नामक मच्छरों के काटने से ये बीमारी होती है। उसमें काटने के 4 से 6 दिनों बाद व्यक्ति में लक्षण नजर आते हैं। बारिश के मौसम 6 दिन बाद व्यक्ति के अंदर जो लक्षण है इसके वो नजर आते हैं। चिकनगुनिया बीमारी मच्छर के काटने के तुरंत बाद नहीं होती, बल्कि यह 4 दिन या 6 दिन या फिर 1 सप्ताह बाद चिकनगुनिया के लक्षण जो है व्यक्ति के शरीर में नजर आते हैं। मलेरिया बारिश के मौसम में फैलने वाला मलेरिया रोग भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। यह भी एनोफेलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। इसके डंक के जरिए प्लास्मोडियम नामक पैरासाइट व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है और रेड ब्लड सेल्स को तेजी से नष्ट करने लगता है, प्लेटलेट्स को कम करता है। भारत में आमतौर पर लोगों को बाईपैक्स मलेरिया होता है। पुराने समय में इसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती थी, लेकिन अब इसका उपचार संभव हो सका है। चलिए जानते हैं कि इन सभी बीमारियों का उपाय, इनसे बचाव हम कैसे करें। बचाव के उपाय जानते हैं कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी पानी जमा ना होने दें। खाने पीने में खास तौर पर ध्यान रखें, ढकी हुई चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। इस मौसम में जितना हो सके पानी उबाल कर ही पिए, ठंडा पानी पीने से बचें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू वाले कपड़े पहनें। सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी के इस्तेमाल से मच्छरों से बहुत ज़्यादा संख्या में आपका बचाव होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। बेडशीट को समय समय पर धोते रहें और कपड़ों को भी धूप दिखाते रहें। इस मौसम में कपड़ों को धूप दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश के मौसम में धूप कम आती है और जब भी धूप आए तब भी कपड़ों को धूप जरूर दिखाएं, जिससे बैक्टीरिया जो पनप रहे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दरवाजे खिड़कियों पर नेट की व्यवस्था रहने से मच्छर मक्खी और दूसरी बीमारी फैलने वाले कीटाणुओं का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दरवाजे और खिड़कियों की जाली बंद रहे, जिससे कीटाणु और बैक्टीरिया घर के अंदर ना आ पाए और घर के बाहर भी साफ सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। मलेरिया टाइफाइड और हेपेटाइटिस से बचे रहने के लिए टीका जरूर लगवाएं। टीकाकरण सबसे ज़्यादा सुरक्षित और ज़रूरी उपाय है, क्योंकि समय पर टीका लग जाने से हमें बीमारियों फैलने का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह से श्रोताओं, अब हम आओ जाबे को समय हो रहा है को सो हम चला थेंगे। जो कार्यक्रम आपको कैसो लगो और ई के बारे में आपके मन में कछु सवाल अगर चल रहे हो तो हमें जरूर फोन के माध्यम से पूछ भे। नंबर है को अपनो 9425141726। अब अपने रेडियो दोस्त वर्षा को दियो जाबे की अनुमति, फिर हुई है हमारी और आपकी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने नमस्कार।